अमित जी, एडिबल ऑयल्स में क्या लगता है आपको? देख रहे हैं कि सीपीओ तो इंडोनेशिया से बैन हो रखा है, लेकिन इंडिया अब मलेशिया के साथ कुछ समझौते कर रहा है। ऊपर से यहाँ पे इंडिया में इस बार खबरें निकल के सामने आ रही कि ऑयल सीड की जो सोइंग है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो इन सब के बीच एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स कैसा रह सकता है? जी देखिए, मुझे जो आपने बताया बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया ने जो ऑयल सीड बैन किया था उसके बाद हमने काफी वोलेटिलिटी देखी गई थी, क्योंकि वो डिसीजन एक रिवर्स भी हुआ था, उसके बाद दोबारा लागू किया गया, तो काफी उठा पटक का दौर है। और अगर आप सोइंग की बात कर रहे हैं वो भी एक फैक्टर है जो आगे चलकर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म लेवल मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, चाहे वो सोयाबीन हो या सीपीओ हो, दोनों में ही। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द हमें एक स्टेबिलिटी देखने मिलेगी या फिर बढ़त भी देखने मिल सकती है। सोयाबीन की भी अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, मुझे लगता नहीं कि 7,100 के नीचे दाम जाएंगे, और अपसाइड में 7,700 तक के लेवल नेक्स्ट 2 हफ्तों में देखने मिल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी।